नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी, आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। लखनऊ में सीएम आवास में ये बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। इस बैठक में 34 प्रस्ताव रखे जाएंगे, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर भी लगेगी। बैठक में गाजीपुर में 300 बेड के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार की मंजूरी का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें अयोध्या के 154 राजस्व गांव, गोंडा के 63, बस्ती के 126 समेत कुल 363 राजस्व गांव शामिल होंगे। बैठक में मथुरा में वृंदावन विकास क्षेत्र के सीमा की विस्तार को मंजूरी मिलेगी। इसमें नगर पंचायत बरसाना और सौंख समेत मथुरा और गोवर्धन के 5 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनमें निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत मेगा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ा संशोधन प्रस्ताव समेत स्वास्थ्य और एक्सप्रेस से जुड़े भी कई प्रस्ताव होंगे। दिल्ली में सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए दलित समाज से आने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर राखी बिंडलान और विधायक सुरेंद्र कुमार को सह प्रभारी बनाया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना दमखम आजमाना चाहती है। बता दें, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अगस्त से लगातार प्रदेश का दौरा और पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ 2022 के विधान चुनाव से पहले जमीनी परीक्षण करेगी। साल 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड खास होने वाली है। इस बार राजपथ पे अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी, उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। यूपी की ओर से इस बार अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को ही थीम बनाया गया है। झांकी में अयोध्या में हर साल होने वाले दीपोत्सव को भी दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ शबरी के झूठे बेर, निषादराज को राम का गले लगाना, केवट को आशीर्वाद समेत अन्य दृश्यों को झांकी में दिखाया जाएगा। यूपी सरकार अपनी झांकी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मृदंगाचार्य राम शंकर दास की मूर्ति भी दिखाएगी। बता दें, अयोध्या में इस साल अगस्त में ही राम मंदिर की नींव रखी गई है। दिसंबर महीने में काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जनवरी में अगर गणतंत्र दिवस की परेड में राम मंदिर की झांकी दिखेगी तो पूरी दुनिया की नजर यहाँ रहेगी। योगी सरकार जल्द ही वाटर हार्वेस्टिंग पर कानून लाने जा रही है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जल का संरक्षण ही समय की मांग है। जल ही जीवन है, जल ही शांति है और जल ही भविष्य है, लिहाजा पानी की हर बूंद बचाना जरूरी है। वर्षा जल संचयन के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही कानून लाएगी। इससे पानी की सहज उपलब्धता रहेगी और खेत की उपज भी बढ़ जाएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेमिनार में शामिल हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस सेमिनार के मंथन में जो निष्कर्ष निकलेगा, उस पर सरकार निर्णय लेकर बेहतर कार्य करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण में करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। इंदिरापुरम के शक्ति खंड 4 में करीब 9000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर निर्मित भवन में 100 कमरे बनाए गए हैं। यहां पर 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस भवन के निर्माण में जयपुर से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सीएम योगी करीब 3 बजे कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ आने को लेकर पहले से ही सुरक्षा प्लान तैयार किए गए हैं। माना जा रहा है, इस भवन के निर्माण से अब 4 धाम के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद में गंदा पानी पीने से लगभग 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिन से उन्हें उल्टी और खट्टी डकार आ रही है। तबीयत खराब होने के बाद लोगों ने सप्लाई का पानी पीना बंद कर दिया। दूषित पानी की सप्लाई का मामला इंदिरापुरम इलाके की एंजल मरकरी सोसाइटी का है। सोसाइटी में यूपी जल निगम पानी की सप्लाई करता है। ऐसे में जल निगम के अधिकारी ने खराब पानी की वजह CISF रोड पर चल रहे निर्माण कार्य को बताया है।
अधिकारी ने कहा कि हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि CISF पर निर्माण कार्य की वजह से गंगा जल पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिस कारण सीवर का पानी उसके साथ मिल गया है। फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।